प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश के 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवरब्रिजों एवं अंडरपास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। आपको बता दें, संभागीय मुख्यालय शहडोल के रेलवे स्टेशन शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मनीषा सिंह, सीनियर GM दीपक आहूजा, अपर कलेक्टर रोमो नुस्टोपो एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक मनीषा सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात देश को दे रहे हैं। इससे देश के 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा, यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा, यह देश के लोगों के लिए एक अच्छी सौगात है। उन्होंने कहा कि शहडोल रेलवे स्टेशन भी इस कायाकल्प योजना में शामिल है। बता दें कि शहडोल रेलवे स्टेशन का अधोसंरचनात्मक विकास होने से यहां के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है वह सराहनीय कदम है। हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कमल प्रताप सिंह, संतोष लोहानी, श्री मनोज गुप्ता, शक्ति लक्षकार, पार्षद रजनी सिंह एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। देखिए शहडोल से फरीद खान की रिपोर्ट।